आज हम गांव वाली चाय पीएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं लकड़ियों के चूल्हे पे नाश्ता। तो सबसे पहले तो यहाँ हम बना रहे हैं चाय, तो आप लोग भी देखें, एंजॉय करें। सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह आग के पास बैठना बड़ा ही अच्छा लगता है, तो हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। आई होप सो आप सब भी इंजॉय करेंगे। तो चलें जी आगे मज़ीद देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। लो जी हमारी चाय तो तैयार है। चाय तो हमारी तैयार हो चुकी है, तो चलें आप बनाते हैं पराठे। सामान वगैरह तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ, ये पेड़े बना के हमने रख लिए हैं। और चलें जी शुरू करते हैं अब हम पराठे बनाना। नाश्ता अब जो है वो पूरा तो खैर मैंने नहीं ऐसे रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पे नाश्ता मैं बना चुकी थी। ये हमारी चाय है, साथ में अंडा बनाया है, और ये देखें गर्मा गर्म पराठा, ऐसे ताज़े ताज़े पराठे तवे से उतरे हैं, और साथ अंडे के साथ खाना बड़ा अच्छा लगता है। ज़्यादा मज़े का बना है, लवली का हो गया है ना। छिलका नाश्ता बन गया था, उसके बाद फिर जुम्मे की तैयारी की, और साथ ही हमने जो है दिन को खाना बनाया था मटर आलू पुलाव। तो यहाँ पे उसी के लिए बस चीज़ें वगैरह तैयार करके रखी थी, वो भी आज हमने लकड़ियों वाले चूल्हे पे बनाया था क्योंकि हमारी गैस नहीं आ रही थी। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने तैयार करके रखी हैं, अभी आगे आपको मैं बताती हूँ कि क्या क्या है और कैसे कैसे। वैसे यहाँ पे मैंने मसाले तो डाल दिए हैं, ये हमने आग जला ली है, और ये रहा हमारा खाना तैयार हो रहा है। यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं, और प्याज ब्राउन होने के बाद फिर हम बाकी इन्ग्रीडियंट्स। यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह काट के रख लिए हैं, ये हरी मिर्चें हैं साथ में टमाटर हैं, और इसमें मैंने हल्दी लाल मिर्च और नमक डाल के रखा हुआ है, एक एक टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये फ्रीज हुआ हुआ था तो इसको अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे आलू है, ये हमारा है बिरयानी मसाला, और ये हैं जी चावल भीगे हुए। वैसे मटर भी डालने हैं, लेकिन मटर अभी जो है वो फ्रीज़ हुए हुए थे, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई कि जब डालने होंगे फिर हम ले आए। प्याज हमारे हाफ ब्राउन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इसमें क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्रीज हुआ हुआ है, तो हम अभी से डाल देंगे। ये पेस्ट मैंने डाल दिया, ये स्मेल टमाटा साथ साथ प्याज और ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे जितने हमें जाएंगे। इसके अंदर मसाले और टमाटर हरी मिर्च, अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, और भूनने के बाद फिर हम इसमें चावल डालेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं वैसे आलू और मटर इसमें डाल दूंगी ताकि वो टमाटर भी गल जाएँ और आलू और मटर भी साथ साथ हाफ गल जाएंगे। अब जो है मैंने इसमें थोड़ा बिरयानी मसाला भी डाला था ताकि थोड़ा और टेस्टी हो जाए, और फिर इसको मिक्स किया, इसमें पानी डाला और फिर चावल वगैरह डाल दिए थे। बस फिर वही जो सिंपल तरीका होता है, पानी सूख गया और उसके बाद दम लगा दिया, और फिर फाइनल लुक अभी आपको दिखाती हूँ। वैसे अभी जो है रात को मैं बाहर बैठ के
खुले में आसमान के नीचे वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ में हमारी बन रही है ये देखें। इसकी भी मैं शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये है जी हमारी फाइनल लुक मटर आलू पुलाव की। तो हम करते हैं इंजॉय और आप लोग बस देख के ही इंजॉय कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।